हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर वाले सब्जेक्ट में से बीटेक के लिए ए की बीटेक के लिए तो ये मेरे पास सिलेबस है ठीक है कंप्यूटर्स uh, में इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में ही है तो ये इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग में एट uh, भी इम्पोर्टेंट है एट भी इम्पोर्टेंट है बट जो मेन कई बार फ्रीक्वेंट uh, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी आज तो वो है डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086 दोनों ही प्रोसेसर बहुत इम्पोर्टेंट है नो डाउट बट मैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूं जो कि 8 टू 10 मार्क्स का आ जाता है ठीक है वो है कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव विथ एट जीरो एट सिक्स तो मैं आज इस वीडियो में आपको uh, ये एट मार्क्स का भी आता है टेन मार्क्स का भी आता है और मे बी ये सिक्स मार्क्स का भी आ सकता है ठीक है अगर एट टू टेन मार्क्स का आए तो यहां पे एक आंसर है जिसको मैं आपको इजी तरीके से लर्न करने की ट्रिक uh, बताऊंगी ठीक है तो ये क्वेश्चन है जिसमें की थर्टीन पॉइंट्स है थर्टीन नहीं है फोर्टीन है सेवन और एट के बीच में जो पॉइंट है ना नो स्ट्रिंग ऑपरेशन डायरेक्टली ये भी एक पॉइंट है जो कि मिस प्रिंट है ठीक है तो ये तेरह के तेरह पॉइंट आप किस तरह से लर्न कर सकते हो वो मैं आपको तरीका आज बताने वाली हूं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है उसके लिए जितने भी लेटर्स है ना फर्स्ट लेटर्स जैसे एन है यहां पे एन है थर्ड नंबर में एम है जितने भी फर्स्ट लेटर है फर्स्ट पॉइंट का जितने भी पॉइंट्स है उसकी जो फर्स्ट लेटर है ना एस है एफ है यहाँ पर ओ है ऐस है इन सबको मैं एक पेपर पे लिख लूंगी ठीक है ये एक ट्रिक है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से लर्न कर सकते हो अपनी स्टडीज को इजी बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एबीसीडी के क्रम में ठीक है उसको हमको अल्फाबेटिकली लिखना है तो यहाँ पर मैंने सब उतार लिए हैं सिर्फ फर्स्ट लेटर्स ठीक है यहाँ पर सारे फर्स्ट लेटर्स मैंने लिख लिए हैं अब ये जो पॉइंट्स है ना एन की जगह पे एन एम की जगह पे एम यहाँ पर टिपिकल टी फॉर टिपिकल है तो मैंने यहाँ पर टी लिखा है सी फॉर क्लॉक है तो यहाँ पर मैंने सी लिखा है अब मुझे क्या करना है इन सबको ना अल्फाबेटिकली लगाना है अल्फाबेटिकल का मतलब है एबीसीडी में जैसे पहले सी आता है तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है ई एफ जी ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद एफ आता है इन सब में से कोई एफ है तो यहाँ पर मैं एफ लिख दूंगी उसके बाद एम आता है फिर एन आता है ओ एस टी ठीक है ये मैंने अल्फाबेटिकली लिख लिया है अब मुझे क्या करना है बेसिकली इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब है आप कुछ भी अपनी तरफ से किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाई सी फॉर कैरल एफ फोर फॉल ऑन और एम फॉर मैट ठीक है एन सेवन टाइम्स है तो यहाँ पर मैंने एन को लिख दिया सेवन टाइम्स ओ फोर ऑलिव एस फॉर सिया एस फॉर स्लीप और टी फॉर ट्री ठीक है इसको मुझे अब कैसे पढ़ना है कैरल फॉल्स ऑन मैट ठीक है कैरल जो है वो मैट के ऊपर गिर गई उसके बाद सेवन टाइम्स एन लिखा हुआ है उसके बाद क्या होगा ऑलिव सिया स्लीप्स ऑन द ट्री ठीक है ये मैंने अपनी तरफ से कोई शॉर्ट फॉर्म बना ली है उससे एक आ, बेनिफिट आपको ये होगा सपोज 8085 को आपको लिखना आता है आप सबसे पहले लिख सकते हो कैरल कैरल फॉल्स ऑन मैट सेवन टाइम्स एन ऑलिव या स्लीप्स ऑन ट्री ठीक है आप इस तरीके से लिख लोगे तो आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं हो सकता कई बार क्या होता है पंद्रह पॉइंट है तो उसको आप में से आठ या नौ ही लर्न रह जाते हैं इसमें आपको पूरे के पूरे जितने पॉइंट ना उतने ही लर्न करने पड़े आप मिस नहीं करोगे कोई भी तो अब नंबर ऑफ डेटा लाइंस इसमें एट होती हैं एट जीरो एट फाइव में इसमें सिक्सटीन होती हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लर्न करते हैं मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी इसमें होती है सिक्सटी फोर के बी और इसमें मैक्सिमम मेमोरी हम स्टोर कर सकते हैं वन एम बी तक ठीक है इसमें नो पाइपलाइन आर्किटेक्चर इसमें नहीं होता है इसमें होता है ठीक है मतलब ये बहुत ही रेयर से डिफरेंसेस हैं बहुत ही इजी हैं आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन का मैंने आपको बता दिया उसके बाद है सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर सेगमेंटेशन अवेलेबल होता है मेमोरीज का ठीक है तो अगर आपको वर्ड्स पता होंगे तो आप लिख सकते हो इसमें माइक्रो प्रोसेसर मोड आ, नहीं होता है इसमें सिंगल प्रोसेसर होता है ठीक है इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन डिवाइड जैसा ऑपरेशन नहीं होता है 8086 में होता है ठीक है नो स्ट्रिंग ऑपरेशन इसमें नहीं होता है इसमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू अवेलेबल होता है ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हो अब इसमें फाइव हार्डवेयर इंटरप्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्स होती है सॉरी आर एस जीरो से लेकर आर एस सेवन तक मतलब आर एस टी आर एस टी जीरो आर एस टी वन आर एस टी टू आर एस टी थ्री करके सेवन तक ठीक है इसमें 256 फिफ्टी सिक्स सॉफ्टवेयर इंटरप्स होती हैं आई एन टी ज़ीरो ज़ीरो से लेकर आई एन टी डबल एफ तक इसमें फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट होती हैं एट में और एट में आ, टू एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्स होती हैं इसमें वन डी एम ए चैनल होता है इसमें टू डी एम ए चैनल होता है ठीक है तो सीरियल डेटा ट्रांसफर फैसिलिटीज में अवेलेबल होती है इसमें नहीं होती है क्लॉक फ्रिक्वेंसी आपको ये फ्रिक्वेंसी लर्न करनी पड़ेगी इसमें एफ सी डिवाइडेड बाई टू है इसमें एफ सी डिवाइडेड बाय थ्री है इसमें मशीन साइकिल थ्री क्लॉक्स तक चलती है इसमें फोर क्लॉक्स तक चलती है तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ये एट जीरो एट फाइव के हैं ये एट जीरो एट सिक्स के हैं ठीक है थीके? मैंने आपको फर्स्ट वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप उसके हिसाब से उस पॉइंट को इजीली लर्न कर सकोगे ठीक है इससे आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं और एज इट इज आप सारे के सारे पॉइंट लिख पाओगे सी फॉर क्लॉक है तो आपको क्लॉक वर्ड याद है तो ऑब्वियसली आप 8085 में भी लिख पाओगे 8086 में भी लिख पाओगे ठीक है कोई भी पॉइंट आपका मिस होने वाला नहीं है इस ट्रिक से अगर आपको एक वर्ड याद रह गया सपोज हार्डवेयर इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्लॉक ठीक है मैक्सिमम कैपेसिटी आपको ये पता होगा सी फॉर क्लॉक फ्रिक्वेंसी होता है ठीक है ओ फॉर वन डी में चैनल होता है एम फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी होता है तो आप दोनों की लिख लोगे एट की भी एट की भी ठीक है एस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है आपको पता है ये मेरा मतलब इस छोटी सी ट्रिक से है ये मैंने छोटी सी ट्रिक बताई है जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे और इजीली लर्न करोगे जैसे मैंने कैरल सी फॉर कैरल एफ फॉर फॉल्स बनाया आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो ठीक है जो आपके मन करे आपको इजी लगे जिस तरीके से स्टडी जिस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो है, तो इट्स इसी तरह से 8085 का आपने लिख लिया 8086 लिख के आप क्लॉक फ्रिक्वेंसी दोनों की लिख सकते हो इसमें फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट हैं इसमें टू होती हैं आप ये ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी क्या होती है इसकी क्या होती है आप अलग अलग लिख सकते हो बस आपको जो मेन होता है ना कि डीएमए चैनल के बारे में लिखना है या जो आपको मेन जिसके बारे में लिखना है ना वो वर्ड पता होगा तो आप दोनों का लिख पाओगे तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कंपेयर बिटवीन एट जीरो एट फाइव एंड एट ज़ीरोट सिक्स ठीक है कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी आज की पढ़ने की ट्रिक कैसी लगी इसी तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए किसी भी डिफिकल्ट डेरिवेशन या सब्जेक्ट के बारे में इजी तरीके से लर्न करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल की नोटिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस नहीं करोगे तो मेरे आने वाली वीडियोस आपको नहीं टाइम पर मिल पाएगी और आप नहीं सीख पाओगे कमेंट uh, सेक्शन में जरूर पूछिएगा ठीक है कोई भी आपका डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और मेरा ईमेल आईडी है ए एम आई डॉट इंस्पिरेशन एट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप मुझे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मेल्स भी कर सकते हैं जैसे कि आप लोग करते हो और मैं उसका आंसर देके उस चीज को एक्सप्लेन करके आपके लिए इजी बना देती ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आ गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल की नोटिफिकेशन के साथ ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और इस चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ या जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो